अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सेल अब्बास। मैं हूं अली। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ है आपके लिए भी स्पेशली, और हमारे लिए तो है ही है। लाइगर, ग्लिम्सी ऑफ लाइगर, विजय देवरा कुंदा और पूरी जगन्नाथ, ये एक फर्स्ट लुक आई है लाइगर की, और ये बड़ी जंगल में आपकी तरह फैली हुई है। ये लुक जो है बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मतलब इस मूवी छोटा सा मूवी है या टीजर है। का जो है वो टीजर लग रहा है मुझे, 53 सेकंड का ये कहते हैं कि एक टीजर नुमा, एक जिस तरह फर्स्ट लुक होती है किसी फिल्म की, इस तरह का कोई सीन है। और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस वक्त, स्पेशली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। देखते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम, द मोमेंट यू हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर, इंट्रोड्यूसिंग द बॉय फ्रॉम इंडिया, द स्लम डॉग ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, द चाय वाला। पांच लैंग्वेज में, कोंडा, तमिल, तेलुगु, हिंदी। करण जौहर की फिल्म है सर, और करण डायरेक्टर वो हैं। डायरेक्टर वो हैं, करण जौहर ने फिल्म को डायरेक्ट। टीजर ही होगा। हाँ, टीजर है, क्योंकि वो कह रहे थे कि 22 अगस्त लिखा हुआ था, 25 अगस्त लिखा हुआ था, तब कह रहे हैं कि फिल्म रिलीज़ होगी। और पांच लैंग्वेज में, पांच डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। लाइगर यार कमाल की फिल्म लग रही है, और स्पेशली इसमें जो एक सीन दिखाया गया, जिस तरह WWE होती है, हाँ ठीक है, उसमें एक इंडियन बंदा, जिस तरह इंडिया से ग्रेट काली, हाँ ग्रेट खली खली, हाँ खली उसको कहते हैं, मतलब पाकिस्तान में उसको काली कहते हैं ना, हाँ ठीक है, ग्रेट खली, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो, लेकिन उन्होंने चाय वाला के साथ लिंक होगा, कोई चाय वाला होगा, ढाबे का कोई होगा। हाँ, इस तरह कह रहे हैं कि फ्रॉम इंडियन स्ट्रीट्स, यानी कि मुंबई स्ट्रीट कह रहे थे। उन्होंने दिखाया कि वो USA में गया है, उधर भी वो जाके तो अपनी पहचान में, यानी कि मैं इंडियन हूँ, मतलब अपनी दहशत दिखा रहे हैं जिस तरह इंडियंस करते हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, ये बिल्कुल ही स्टोरी चेंज लग रही है इस फिल्म की। हाँ जी, है ना, एक्शन भी, एक्शन भी, और एक्शन से पैट्रियटिज्म अपने अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस करवाना, और जैसे WWE के मुकाबले वगैरह देखते हैं सब कुछ हो गए, तो इसी तरह उसमें थोड़ा सा ना लुक रखा उन्होंने WWE का। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में स्टोरी भी बेसिक यही होगी, और WWE की लुक जो है वो जिस तरह वो सीन होता है, वो जालियाँ लगा के, वो ही ज़्यादा टफ, जिस तरह ज़्यादा टफ मुकाबला होता है, जालियाँ वाला सीन। और वो जो रिंग में पता नहीं 10-12 लड़के खड़े होते हैं, पता है? हाँ जी, हाँ, तो अकेला वो लड़ रहा होता है बीच में, वो भी सीन है अकेला इंडियन। तो कैसे यार, वो ये क्या सीन होगा कि इसका थीम मुझे लगता है ये ना सिर्फ इंडियन जो है ना, वो एक ही लड़का है, बाकी सारे जो है वो फॉरनर ही हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब इंडियन सबसे जो है ना वो बाजी ले जाता है, और इस तरह मुझे लगता है इसकी कोई मुकाबला वगैरह होगा, कोई जीतेगा। हाँ यार, जीत के लाएंगे, क्योंकि इंडिया के बाकी बहुत से लोग जो है वो पहले नंबर पे आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, किसी भी मुकाबला देख लो, जैसे वो लड़की जीती है, मिस यूनिवर्स बनी है, बहुत टाइटल ले गया स्क्वैश में, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनके खिलाड़ी जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कबड्डी में भी खुशी की बात है यार, हमारा हमारे और खुशी होती है, हमारे भाई हैं, हम साए हैं, और ज़्यादातर टाइटल जो है वो जीत के ला रहे हैं। आप देखें ना, उधर भी वो ओलंपिक में भी लेके आए, कितने टाइटल लेके आए थे। बिल्कुल ऐसे ही सर, इंडियन जो है ना वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, मेहनती लोग हैं, आपको पता है कि मेहनत करना वो जानते हैं। उनके क्रिकेटर्स आप चेक कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त यार गेम करते हैं। और मैं करण जौहर की बात कर रहा था, करण जौहर इज़ अ गुड फिल्म डायरेक्टर यार, बहुत उनकी डायरेक्शन काफ़ी, और नाम ही काफ़ी, जितने भी फिल्में उनकी डायरेक्शन में बनी सारी सुपर हिट हैं।
बहुत बिजनेस किया और ये देखे ना नई स्टोरी लेके आए टर्न ये नई स्टोरी तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाके देखें अभी तक इंडियन सिनेमा एक कुछ जगह मैंने सुना था अभी तक वो लगी हुई है अच्छा। जब से रिलीज हुई है ना अच्छा। उस दिन से लेके अभी तक वो सिनेमा से उतरी नहीं है। बहुत जबरदस्त कर्ण जौहर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और कामयाब फिल्में बनाते हैं। हमें बहुत इंटरेस्टिंग लुक लगी, आपको ये लुक कैसी लगी लागत की कमेंट सेक्शन में लाजमी हाजिर हों और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।